लाइफोलॉजी फंडा के सभी दर्शकों का आज के विशेष अंक में हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से हमारे पास यह एक अनुरोध आ रहा था कि साइटिका पे हम अलग से एक वीडियो लेकर के आए। आप सभी हम इतना चाहते हैं और अपना समझकर किसी खास बीमारी के ऊपर वीडियो लाने का सुझाव देते हैं, तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम आपके सुझाव एवं आदेश का पालन करें। तो आइए जल्दी से साइटिका रोग में सहायक एवं उससे छुटकारा दिलाने वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट को जान लेते हैं। पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है GB30, जिसे गॉल ब्लैडर 30 एवं जंपिंग सर्किल या जंपिंग राउंड के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि GB30 पॉइंट बटक की साइड में सेक्रल हाइटस अर्थात सेक्रम से 2/3 एवं ग्रेटर ट्रोचांटर से 1/3 के दूरी पे स्थित है। इस पॉइंट को अपने अंगूठे, इंडेक्स फिंगर अथवा मिडिल फिंगर से फर्म एवं स्थिर दबाव 30 सेकंड तक बनाएं और फिर अपनी दबाव को रिलीज करें। ध्यान रखें कि दबाव इतना हो कि आप एक मीठी दर्द को महसूस कर सकें। इस प्रक्रिया को अनेक बार दोनों पैरों के पॉइंट पर दोहराएं। साइटिका दर्द के लिए दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है GB34, जिसे गॉल ब्लैडर 34 या यांग हिल स्प्रिंग भी कहते हैं। GB34 का लोकेशन चित्र में दर्शाया गया है। इस पॉइंट को अपने अंगूठे या अन्य किसी उंगली से 2 से 3 मिनट तक स्थिर एवं फर्म दबाव बनाएं। इस प्रक्रिया को 3 से 5 बार दोनों ही पैरों में दोहराएं। बैक पेन के दर्द से संबंधित एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए वीडियो लिंक यहां ऊपर कॉर्नर में दिया गया है, जिसका लाभ बैक पेन से राहत के लिए आप कर सकते हैं। यह तो था साइटिका दर्द से संबंधित 2 महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट। आइए अब जान लेते हैं कुछ अत्यंत कारगर घरेलू उपचार। घरेलू उपचार नंबर 1, कैमोमाइल चाय के नियमित 2 से 3 बार सेवन करने से साइटिका दर्द में काफी राहत मिलती है एवं यह आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। घरेलू उपचार नंबर 2, गुनगुने पानी से भरे बाथ टब में 1 कप एप्सम साल्ट्स, 2 चम्मच इकुलिप्टस ऑयल, कुछ बूंदे लैवेंडर के तेल एवं कुछ बूंदे कैमोमाइल के तेल मिलाएं। 15 से 20 मिनट तक इस बाथ टब में बैठने के बाद गुनगुने पानी से स्नान कर लें। इन 2 घरेलू उपचार से भी आप अपने साइटिका रोग को कम एवं नियंत्रित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का यह अंक आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें यहीं इजाजत दीजिए एवं अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, संतुष्ट रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं समाज तथा देश की सेवा करते रहिए। धन्यवाद।